हंगरी में और गयोर से आगे निकल आए हुए हैं। ये इलाका देख के ना जनाब पाकिस्तान की बड़ी याद आ रही है हमें जनाब। अब वैसे महसूस हो रहा है जैसे हम वाकई पाकिस्तान के करीब होते जा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल पाकिस्तान का इलाका लग रहा है। फसलें हैं सब, फसलें सारी फसलें ही फसलें। ओलिव्स पार्किंग आ रही है, पार्किंग आ रही है 500 मीटर तो बाद इतनी रहे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ये जनाब वनीता जो है ना, वनीता बेसिकली ये रोड टैक्स होता है। जिस तरह पाकिस्तान में टोल प्लाजे हैं ना, तो वो टोल प्लाजे जो होते हैं वो टैक्स लेते हैं, मुल्क के लिए इकट्ठा करते हैं। इसी तरह ये इन्होंने टोल प्लाजे नहीं ना रखे हुए, ये क्या करते हैं इन्होंने ये वनीता सिस्टम रखा हुआ है रोड टैक्स। जैसे ही उनके मुल्क में एंटर हूँ तो वो फिर उनको टैक्स देना पड़ता है उस मुल्क को। ये जी हंगरी में हम एक जगह पे रुके हैं वाशरूम वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। और ये हंगरी वाकई हंगरी मुल्क है। ये देखें इनकी हालत दरवाज़ों की है। और ये देखें ना एनजी लगता है जिम्मे असी पाकिस्तान से फेर रहे हैं। मैं वेल दरवाज़ा खुलन की आवाज़ आ जाए तक क्या जाए एनजी लगता जिम्मे असी वाकई पाकिस्तान के किसी राह फेर रहे हैं। ये जनाब वाशरूम भेड़े हालां का गुजारा कर लियो करके आते हो तो है तक जनाब टैब लगी सिंक चेक करो कैसा कमाल का बनाया है जी। है सिस्टम जो जनाब हाथ धोने वास्ते नवी हाथ धो। अच्छा जी हाँ चेक करो जी जिमें साडे स्टिकर भी लाए होंगे मुड़िया ने है बोर्डा दे। आ लोकल नक्शा बनिया है जनाब टेबल इतों मेरा दिल चाह शाह पी ली है बैठने का इंतजाम है थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता। हाँ हाँ भाई नहीं फिर ये हैं जी हमारी लारियाँ हमने ट्राई की है जी। ये यहाँ पे है इनका रेस्टोरेंट भी हल्का सा कि यहाँ से कोई फिश बर्गर या कुछ इस तरह की चीज़ मिल जाए लेकिन नहीं वो नहीं मिले लिहाजा यहाँ पे हमारा दाना पानी नहीं है। हमारा दाना पानी अब देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है अब आगे चल के आपको डेरा लगी जैसा जी बंदे ने 71 मॉडल केड़ा बनता जे 71 है ना 21 बनता है। ये भी SUV है ना 4x4 है। बंदे एक ने टोरी है कहना मैं कस्टम क्लियर कराना है। पता कराओ की सुजुकी है ना ये देखो हाँ ये तको ता या ना सुकून नाल जली चलो पिछों ओ यार रिजड़े आते ना मैं भी इंजी आता हूं था आ, मैं बस अपड़िया जे बॉर्डर ते आया मेल पहुंचने है ना। हाँ रोड खराब ने पता है जी
ਪੌਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਸ ਹੋਈ ਰਿਹਾ ਮੁਕਸਰ जी मैं ना जनाब बार बार बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं वाकई पाकिस्तान में घूम रहा हूँ। ये देखिए ये कैमरा मैंने डैश पे रखा है, ये देखें कैसे, लेकिन इसमें स्टेबलाइजर लगा हुआ है, शायद आप सही तरह से फील ना कर सकें, लेकिन ये रोड जो है ना इतना शदीद ख़राब है, मुझे ऐसे ही लग रहा है जब मैं इस्लामाबाद वाले रस्ते से चढ़ गया। स्वाभाविक है, बिल्कुल तरक्की तरक्की नहीं, तरक्की मोड़ जा, ये तरक्की मोड़ की तरह रोड भी है और ये वो आगे ये तरक्की मोड़ की तरह रोड है और ये देखे ना साइडों पे बिल्कुल सेम टू सेम वही सिचुएशन और वो सामने आगे जनाब वो बिल्कुल पहाड़ियाँ। ये ट्रकों ने रोडें खराब की हुई है, ये ट्रकों ने रोडें खराब की हुई है क्योंकि गर्मी आवे भी पड़ती है ना। ये देखे ये बिल्कुल ऐसे ही रोड दसा हुआ है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह जो है ना रोड का बेड़ा तरा हुआ है यहाँ पे। ये देखे बड़े बंदे जो है ना वो ये सवाल करते हैं यार रास्ते में आप खाने का क्या करते हैं। देखें हम लोग तो ट्राई करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हलाल टेक में कुछ मिल जाए, अगर ना मिले ना तो हम फिर ये करते हैं, ये देखें फ्रूट कॉकटेल, ठीक है, या ये करते हैं या फिर इधर वो भुने हुए चने पड़े हुए हैं वो खाते हैं, या पीछे ये जो है ना क्रिस्प क्रिस्प वगैरह पड़े हुए हैं, पानी का इंतज़ाम है, फिर हम लोग जो है ना हम तो सिर्फ यही करते हैं और ये ही कर सकते हैं। तो अपने लिए जो है ना इंतजाम करके लाए, कोई नहीं कोई नहीं नहीं कोई नहीं है हाँ कि कुछ भी नहीं जो ना, देखे ब्रेक लगाने लगे थे हम, वो बात वही है हमें खाने का, हम सोच रहे थे कि चले कोई फिश बर्गर ही मिल जाए, काफ़ी टाइम हो गया हमने नाश्ता ही किया हुआ था लेकिन यहाँ पे कुछ था नहीं। एनी वे खाने के बता रहा था कि इस तरह का खाना अपने साथ रखें सफ़र पे आते हुए, वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर आप जगह जगह जो है ना वो तंग होंगे। अगर हो सके तो कुछ फ्रूट साथ रख लें, इस तरह का जो है ना टिंड फ्रूट वो भी आप साथ रख सकते हैं, क्रिस्प वगैरह रख लें, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो इतनी सर्विसेज हैं कहीं से भी रुकें और वो चीज़ें इकट्ठी करके रख लें, भुने हुए चने पिस्टाशियोज इस तरह की चीज़ें जो है ना काशू नट्स वो बड़े हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, वो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, इस तरह की अपनी तैयारी में चीज़ें जो है ना वो लाजमी। अच्छा जी अब यहाँ से हमने M0 एग्जिट ले लिया जी, M0 बुडापेस्ट जो है ना वो सीधी मोटरवे उधर जा रही है बुडापेस्ट की, और हम लोगों ने M0 ले लिया, अब हम जो है ना इस रास्ते पे चढ़ गए और दूसरा रास्ता रह गया हमारा वो अल्लाह हाफिज, तुम्हारा हमारा साथ जनाब इतना ही था, हम तुम्हें छोड़ गए अब जा रहे हैं। अच्छा ना सबर भी कारण बोली जाए दी, बोली जाए दी ता ही मैं आलम है कि नेविगेशन में मर्दा की आवाज होनी चाहिए है। अच्छा जी ये देखें जी यहाँ की जो बनी हुई है, अच्छा ना टुर जा रहे सबर दे कर, ये देखें हाउसिंग सोसाइटी, सीखो पाकिस्तानियों को सीखो लेना था मटर का नहीं। Thank you.
अगर जाना बुडापेस्ट तो यहाँ से राइट कर ले तो बुडापेस्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने जाना है आगे तो लिहाजा हम जनाब सीधे सीधे जाएंगे अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा से बता दूं, ये हंगरी है जनाब, हंगरी, और हम लोग बहुत हंगरी हैं इस वक्त। मैं जाना के वाले जी सर्विस ही देख के आ गए ने 700 हां कुछ चाय शाला नान कर लब ये बिस्कुट कोई चाय पीने है ना नाल में भी कोई ना कोई सैंडविच लाव जा बिस्कुट बिस्कुट भी है ना सही है थोड़ा जहा तो सारा हो जा सी ना ठीक है ते फिर नाल इथे कोई घंटे का तो ब्रेक लाने है ना फ्रेश होके निकलने हैं फ्रेश होके नहीं चलो इतने अच्छा जी अपडेट अपडेट अपडेट, हम यहाँ पे रुके हैं जी MOL वालों की सर्विस स्टेशन पे, खाना शाना तो लभदा को नहीं जे पे सानू, ते जहाँ पे जाते हैं तरह निकल जाता है, तो तरह निकल जाने की वजह से हम अब यहाँ पे रुके हैं। हमने सोचा चलो और कोई नहीं तो चाय तो पी भी है ना, और हमको सब ऐसे देख रहे हैं जैसे हम पता नहीं बम मारने आए हैं। डर पे आना, आओ चौधरी साहब इतने बबो जी इतने बैग शैग रखो जी। अच्छा जी अपडेट खाने की, ये देखें जी हमने अब लिया जी मार्गरीटा, अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, साथ में काफी और साथ में हमारे जनाब बिल्कुल मेरे पीछे है ना जनाब, उन्होंने क्या एक गल उन्होंने वादा किया सी वो पूरा करने पे, शाह साहब सुनने पे मैं स्पीकर लाया हूं बुझे ये भी नाल तहदीद कर सन, उन्होंने कहा कि चोई साहब अग तुसना पीछे मेरा, मैं पीछा तुसना नहीं छोड़ना, मैं पीछा उसा ऐसे पीछे, मैं क्या उन्हें इतना कौल पूरा किया ना कि बिल्कुल नकड़ी सीधी पीछे उन्हें मैं सजा जा सजा खब्बे खब्बे, मैं क्या अल्लाह ने बंदिया मैं वो इतना भी पीछे नहीं सी आख्या जे जान जान इथे निकल चलो पिछलियों की भी तू इतना तंग करना है ਯਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਈ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ ਆ ਅੱਛਾ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਗਏ ਜਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਜੀ ਚਲ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸੀ ਕਰਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਓਕੇ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਨੀਫ ਕੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੁਣੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਦਾ ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਤਖਰਾ ਲਨਾ ਹਾਦਾ ਵਮਾ ਕੁਨਾ ਲਹੂ ਕਰੀਮ ਵੈਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਨਾ थोड़ा फ्रेश हो गया ना सर्दिया से जाके खाना शाना खा के ना फिर बह के कोई प्रोग्राम बना सा पर घंटा दो घंटे चलानी है नहीं चलानी के करना के नहीं करना चल यू नो मीन जी बिल्कुल के ख्याल है हां हां जरूर जरूर पहले खाने ना कुछ करिए 6-7 होने पे मेरा तो होना इस टाइम जड़ा ना मेरे ख्याल ना 2-3 घंटे 4 घंटे तो टेंशन ही को नहीं होना नहीं 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 फिर भी पता ही के जरूरी है शाह जी डॉक्टर चौधरी
ਡੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਡੱਕਣੇ 'ਚ ਬੜਾ ਡਰਦਾ आप ये देखें जी बेलग्रेड बेलग्रेड वाली साइड पे हम जा रहे हैं बस बिल्कुल थोड़ी देर बाद बॉर्डर आने वाला है मैंने कहा आपको पहले मैं ना थोड़ा सा ये साइन बोर्ड का दिखा दूं फिर इंशाल्लाह भी ये साइन बोर्ड देखें थले ला के जड़ा ना और लोकल दी ला के जाए ना किसी और पास होनी दो बॉर्डर ने एक थले वे ते कुत्ते वे देख लो जो थले लांदा ते थले भी जाने हैं बैटर रूट चलो जन लगता है बैटर रूट है ए दोवे उस बॉर्डर ते ही ने सीधे ही चलने हैं आगे शायद वो ट्रैफिक वगैरह दी वजह तो आहदा होवे भाई फिर फ्रंट ते ना जाओ सीधे हां जोड़ना उससे ऊपर ही है जोड़ता उससे ऊपर ही है दोवे जेड़ा ना जांदे उठे ही ने एक इथे करके बॉर्डर है ते एक जेड़ा ना कोई 10 मरले पर आते वे ते थलियों दी जा के ना लोकल इने फिर चाड़ना उसे मेन ते ही है दूसरा प्यारा हो दूसरा प्यारा ओ नजर है वहां पे तो सीधे ही चलने हैं दे दी ने बड़ा सोना रोड है एमएफ टेक एक्सिट 173 मैं कहता ट्रैफिक होनी है ता करता पे होना पे बेटर रोड अवेलेबल है और छोड़ यार बेहतर असन बेटर नहीं चाहिए असन वड्या दसया रहूं करा नहीं सही है बॉर्डर ये टोल की होना है ये वाली फोटो बेलग्रेड हां जी कीप लेफ्ट टू स्टे ऑन M5 स्लो रखियो जनाब और हकार ही साइड से जी हो चलो जनाब ये हम हैं जी इस वक्त हंगरी के बॉर्डर पे और ये जनाब बिल्कुल आप अपने सामने देखें ये है सर्बिया का बॉर्डर गड्डियां अगे जा रही ने सज्जे पासे उन्होंने पीछे लाल लैंग्वेज किधरे भी ये जनाब बॉर्डर शुरू हो गया ये आगे जनाब चेक पॉइंट है और ये पहला चेक पॉइंट है सज्जे पासे घट जे गड्डियां उधर किसी हल अच्छा चलो यू आर इन 5 मिनट कंजेशन कोई मसला नहीं 5 दे भी ज्यादा 10 मिनट कंजेशन ला ला तो जनाब ये बॉर्डर सामने बिल्कुल ये सामने बॉर्डर जो है ये हंगरी के बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं और ये क्यू लगी हुई है ये पहला बॉर्डर है जब से हम निकले हैं यूके से तो अब जनाब हम एंटर होने वाले हैं सर्बिया में जी बिल्कुल दोस्तों ये हम आ गए हैं जी अपना सर्बिया के बॉर्डर पे और ये है जी सर्बिया का बॉर्डर